उनका नॉमिनेशन था और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अंदर गए हैं, क्या कहिएगा बाबा? हम आशुतोष के वोट देंगे, इसके अलावा कोई याद है उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे हम आपके गांव में भी जाके मिले थे, आप उस दिन भी कह रहे थे कि कोई माइका लाल आशुतोष कुमार को नहीं रोक सकता है और आशीर्वाद देने के लिए आज यहां तक पहुंचे हैं। जरूर, जहां बोला जाइए हम लोग चलने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना संघर्ष झेलना पड़े। डर नहीं लगता है? डर नहीं, अरे तो 65 बरस का हो गया, डर का शुरू से नहीं दे रहे थे, अब लास्ट में क्या दे देंगे, जो होगा दे। कर्मठ व्यक्ति को हम लोग वोट देंगे ही, जो जमीन से सटा हुआ है उसके लिए जो हो। यानी पहले जब डर नहीं लगा तो अब क्या डर लगेगा? डर भगवान से डर के गलत काम नहीं करे, जो जमीन से सटा हो उसके लिए कुर्बान होने को कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना आशुतोष कुमार के लिए पीछे पीछे चले आए, आशुतोष कुमार में क्या अच्छाई लगता है आपको? वो जमीन से सटे हुए हैं, इनके पास इमानत है कि हमारे हर एक जनता को भलाई करेंगे। चावल का एक कण देखा जाता है, इन्हें कि सौ पूरे तसल उलट के देखा जाता है, इसलिए हम उनके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे कोई आ जाए। एक तरफ मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, एक तरफ सुरेंद्र यादव के लिए तेजस्वी जी आएंगे, लालू यादव आएंगे, आशुतोष कुमार के लिए कौन आएगा? ऊपर वाला भगवान नीचे जानते हैं, क्या कहिएगा बाबा? बोल चुके हैं एक दिन, फिर से बोल दीजिए। डर लगता है? डर किस बात का है? डर किसी बात का नहीं, इसीलिए ना नहीं बोल। मैंने जिसके लिए आया हूँ वो सामने खड़ी हूँ, आशुतोष कुमार के लिए एकदम खड़े, एकदम खड़े, आशीर्वाद दे दिए हैं। हाँ, आशीर्वाद दे चुके हैं। पैदल पैदल देख रहे थे, आ रहे थे आप सब? जान भी चला जाएगा तो भी नौछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आशुतोष जी को दूंगा। पिछला बार वोट किनको दिए थे? पिछला बार अरुण कुमार को। अब की बार दे रहे हैं आशुतोष जी को, अब की बार आशुतोष कुमार जी को दीजिएगा। कहा जा रहा है कि जिस समाज से आप आते हैं उसको मनाने के लिए उस समाज को कई बड़े नेताजी दिल्ली और पटना से जहानाबाद आ रहे हैं, मान जाइए। हम लोग नहीं, कोई नेता आ जाए, हम लोग किसी भी हालत में इनको जहां संघर्ष करते वहां हम लोग तैयार है एकदम। यानी दिल्ली पहुंचा के रुकिएगा? हाँ, एकदम एकदम दिल्ली पहुंचा के रखेंगे और हमारा कार्य करेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। क्या कहिएगा बाबा आशुतोष कुमार के लिए? आशुतोष कुमार को पूर्ण बहुमत में वोट देंगे हम लोग। काहे ते एकदम उत्साह में है आशुतोष कुमार को लेकर? है कि नया उत्साह, नया चेहरा हम लोग के सामने आया, नया नेता हम लोग के सामने हुआ है, हम लोग को उम्मीद है कि भरपूर हम लोग को काम करेंगे, भरपूर काम करेंगे। और क्या अच्छाई लगता है इनका, मतलब कैरियर भी हमको हम लोग को अच्छा लग रहा है और नेता की अपेक्षा। एक तरफ घोटालेबाज के नाम से कहे चंद्रवंशी जी हैं और एक तरफ है तिलकुट बेचने वालों से रंगदारी वसूलने वाले सुरेंद्र यादव और आशुतोष कुमार है आर्मी से जी। तो लड़ाई किन किन में होगा? तो पहला नंबर में रहेंगे आशुतोष जी, पहला नंबर में हम लोग उनको जिताने जा रहे हैं, पहला नंबर में रखेंगे उनको। कहता आपका आबादी है कम है? आबादी कम कैसे है? आबादी हम 4.5 लाख आबादी है, कम कैसे है? कौन कहता है कि कम है? जनगणना में नीतीश जी बोले हैं। अरे नीतीश जी तो अपने आप जनगणना हुआ बना लिए, किसके क्या जनगणना हुआ, आज तक किसी जगह जनगणना हुआ ही नहीं। क्या कहिएगा बाबा? वही कहेंगे कि पलट पलट करके खाली जो है से कि मुख्यमंत्री बना रहे 2% है से, और ज्यादा बढ़ गए 16% हो गए, हमने भूमिहार है से 2% हो गए, हमारी न बच्चा दिली रे, हमारे बचपा काहे ना पढ़ लिया रे, जनगणना रे था कि सब खिलौना करी थे जनगणना है। तो नीतीश जी का जनगणना से खुश ना है? तेरी फिर गरियाबा कहा हो, आओ गरिया भी कही था हो, वो कुत्ता है उसको अतड़ी में करके लेके जाएंगे थाना में, झटिया नोच करके तबीज मढ़ावे, वो झटिया नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री है, खत्म है, खत्म, मुख्यमंत्री माने कहा झाट। किनको वोट कर रहे हैं आपकी बात? आशुतोष, क्या है आशुतोष में? तो हमारा सर्व मन समान सब उसी में समायल है। कितना पैसा दिया दारू पीने के लिए? किसको? दारू पीता है भूमिहार, अब दारू पीता है नहीं, दारू पीता है दारू के नाम पे वोट करता है नहीं, लेके हमने का 4,000-3,000 रुपया लेता है, दो दिन में लगता है जेल बैठाता है, वोट करम के ये करता है, आज वोट नहीं मिलेगा उसको, कभी नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा? जिनको मिलेगा मोदी सरकार के मिलेगा, नीतीश को नहीं मिलेगा। मोदी जी तो नहीं है ना? ना तो मत रहो, स्पष्ट करेंगे।
बाकी दो दिन ही रहते हैं, पुलिस पकड़ लेता है 3,000-4,000 लेके करता है। आप माली समाज से हैं, आगे आ जाइए। तो क्या, तो किसके तरफ जा रहे हैं? एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ नीतीश जी और एक तरफ आशुतोष जी हैं। आशुतोष जिनके पास जाएंगे वो आदमी ठीक है, कोई दिक्कत ना है। आशुतोष जी के तरफ जाएंगे, उसका तरफ से जाएंगे। पैसा लेता है या करता है, नहीं करेंगे तो पैसों से दिए हैं क्या? कुछ नहीं दिए हैं, पैसा लीजिएगा। नहीं, पैसा नहीं लेंगे। पैसा कौन लेगा? पैसा हमनी से लेता है, गरीब आदमी उससे पैसा लेता है। 2,000-3,000 दो दिन पर दारू पकड़ा जाते हैं, पीते पीते धर लेता है या करता है। दारू पीना गलत चीज? गलत चीज नहीं है, हमने कमाते हैं और पावर पीते हैं, तेलो पकड़ लेता है और 4,000 रुपया लेता है, इसलिए नाराज है। हाँ, इसलिए नाराज है। दारू चालू हो जाएगा सब खुश हो जाएगा, दारू चालू हो जाएगा सब खुश हो जाएगा। तो पी के टुघल जाइएगा तब? कोई दिक्कत नहीं, टुकलेंगे कैसे, अपना म्याज भर पीते हैं, म्याज भर चलते हैं। क्या कहिएगा आशुतोष जी के नॉमिनेशन? हाँ, में आप सब आए हैं। हाँ, बहुत आशुतोष जी यंगस्टर हैं और उनके साथ हैं हम लोग, और बाकी हम लोग सब पुराने नेता को देख चुके हैं, और हम लोग भी यंगस्टर हैं, हम लोग मतदाता भी यंगस्टर हैं और उम्मीदवार भी यंगस्टर हैं। तो हम लोग यंगस्टर के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत पुराने पुराने लोगों को देख चुके हैं। लड़ाई किन किन में होगा? अब लड़ाई तो होगा, देखा जाएगा, उसका सामना करेंगे। तो आशुतोष कुमार का लड़ाई किस नेता से है? पूरे के पूरे नेता से ही है लड़ाई, और सबसे लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे और दिल्ली जाएंगे, और जाएंगे दिल्ली, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या कहिएगा बाबा, तिलक लगा के आए हैं। कहा जाता है कि मायावती के द्वारा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, अगला कितना नंबर पे आ रहे हैं जूता में? क्या जा रहा कि तिलक वाला को जूता मारो? अबरी जूता मोदी को भी लगेगा, बोल देना जहानाबाद की धरती है, यहाँ कोई भी एमपी लड़ने आएगा तो अबरी एमपी बनेगा, तो जहानाबाद के धरती का बूंद का लड़का हो, इस भूमि का लड़का हो, वही बनेगा। काहे मोदी जी आएंगे तो चंद्रवंशी जी को लाएंगे, तेजस्वी जी आएंगे तो सुरेंद्र यादव को लाएंगे, आशुतोष को कौन लाएगा? आशुतोष को जनता ला रहा है, जनता। पैसा उसा लेके आए क्या जी? क्या पैसा लेके आए हैं? पैसा मोदी जी का बाप दे दल के हल्की पैसा दिया, मालूम नहीं है कि जहानाबाद का धरती क्या है? यहाँ से जो जीत के जाएगा, जो पार्लियामेंट में दहाड़ेगा,